हेलो स्टूडेंट्स, तो आज हम बात करने वाले हैं वेरियस फैक्टर्स विच अफेक्ट द बियरिंग कैपेसिटी। अब हमें उन फैक्टर्स के बारे में बेसिकली बात करनी है जो कि बियरिंग कैपेसिटी को अफेक्ट करते हैं। तो आइए एक एक करके हम बात करते हैं उन फैक्टर्स की। तो जो सबसे पहला फैक्टर है वो ये, किसी भी बियरिंग कैपेसिटी को अफेक्ट कर दे पोजिशनिंग ऑफ ग्राउंड वाटर टेबल, या फिर हम डायरेक्टली लिख लें पोजिशन ऑफ, है ना, ग्राउंड वाटर टेबल। अगर ग्राउंड वाटर टेबल बहुत ही ऊपर है तो वो डायरेक्टली क्या कर सकता है, आपकी फुटिंग को परेशान कर सकता है, जिसके कारण से उसकी स्ट्रेंथ कमजोर हो सकती है और वो डिफॉर्म भी हो सकता है। ठीक है, दूसरा जो फैक्टर है वो ये कि आपका जो सॉइल है वो किस टाइप का है, उसकी फिजिकल या फिर इंजीनियरिंग प्रॉपर्टीज कैसी हैं। ठीक है, तो दूसरा फैक्टर क्या हो गया, टाइप्स ऑफ सॉइल, टाइप्स ऑफ सॉइल एंड इट्स फिजिकल एज वेल एज इंजीनियरिंग प्रॉपर्टीज। इंजीनियरिंग प्रॉपर्टीज एग्जाम्पल के लिए मैं लिख दे रहा हूं, जैसे सी है, फाई है, गामा है। ठीक है, इस तरीके से। तीसरा फैक्टर आपका कि आप किस टाइप का फाउंडेशन प्रोवाइड कर रहे हो, टाइप्स ऑफ फाउंडेशन, टाइप्स ऑफ फाउंडेशन। जाहिर सी बात है कि फाउंडेशन किस टाइप का, सपोज आपको आइसोलेटेड की रिक्वायरमेंट है, आपने यानी तो स्ट्रैप फुटिंग प्रोवाइड कर दी है या स्ट्रिप प्रोवाइड कर दी है, तो ये भी डिपेंड करता है कि आपका टाइप ऑफ फाउंडेशन क्या है। उसके बाद फाउंडेशन तो आपने मान लीजिए सेलेक्ट कर लिया, बट उसका साइज क्या है, साइज ऑफ फाउंडेशन, साइज ऑफ फाउंडेशन है मतलब उसकी डेप्थ क्या है, उसकी विड्थ क्या है। ठीक है, वो यहाँ पे आ जाएगा। अच्छा, कंफ्यूज नहीं होना, जब टाइप ऑफ फाउंडेशन की बात होगी तो यहाँ पे स्ट्रिप है, सर्कुलर है, स्क्वायर है, रेक्टेंगुलर है, स्ट्रैप है, इन सारी चीजों की बात हो जाएगी। जब साइज की बात होगी तो विड्थ एंड डेप्थ के बेसिस पे हम लोग इसमें बात करने वाले हैं। उसके बाद जो आपका ग्राउंड सरफेस है, जो आपका ग्राउंड सरफेस है, उस ग्राउंड सरफेस का नेचर कैसा है, नेचर ऑफ ग्राउंड सरफेस। अब जब मैं नेचर ऑफ ग्राउंड सरफेस की बात कर रहा हूं तो उसका मतलब है हॉरिजेंटल है, हॉरिजेंटल है या फिर इंक्लाइंड है, या फिर इंक्लाइंड है। ठीक है, उसके बाद मैं बात करूंगा नेचर ऑफ लोडिंग की, कि लोडिंग का नेचर क्या है, नेचर ऑफ लोडिंग मतलब कि इसेंट्रिक है या फिर कॉन्सेंट्रिक लोडिंग है ना, इसेंट्रिक है या फिर कॉन्सेंट्रिक है। उसके बाद लास्ट लास्ट जो भी उस पर्टिकुलर सॉइल के अंदर जो इनिशियल स्ट्रेसेस होंगी, पहले से जो स्ट्रेसेस होंगी, इनिशियल स्ट्रेसेस ऑन द सॉइल, तो इनकी जब हम बात करेंगे, इन सात फैक्टर्स की जो कि आपके बियरिंग कैपेसिटी को अफेक्ट करते हैं, तो इन सारे चीजों पे अगर हम वर्कआउट कर लें तो आपकी बियरिंग कैपेसिटी इफेक्ट नहीं होगी। तो आई होप आज का ये लेक्चर आपको समझ में आया हो। आज के लिए इतना ही, थैंक यू वेरी मच।